नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। नाउ देयर इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन एंगल एंड टाइम इन अ क्लॉक। टाइम हम देखते हैं क्लॉक में, 12 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 5 बज गए, 6:15 बज गए, ठीक है, और रोटेट भी हो रहा है एंड कुछ रोटेट भी हो रहा है, तो कुछ एंगल्स भी फॉर्म हो रहे हैं। एक कंप्लीट रोटेशन यदि हो जाए, कोई भी आवर हैंड कंप्लीट रोटेशन कर ले, या मिनट हैंड कंप्लीट रोटेशन कर ले, या सेकेंड हैंड कंप्लीट रोटेशन कर ले, तो एक कंप्लीट रोटेशन इज 360 डिग्री। तो ये जो रोटेशन है, ये रोटेशन को यदि हम आर से डिनोट कर दें, तो दो डिफरेंट हैंड्स के लिए, मिनट हैंड के लिए और आवर हैंड के लिए क्या रिलेशन होंगे एंगल में और टाइम में, वो जरा देखते हैं। तो मिनट हैंड के लिए वन रोटेशन इज 360 डिग्री, ऑब्वियस है। वन रोटेशन मिनट हैंड यदि करता है तो इट काउंट्स एज 60 मिनट, और आवर एंड के बारे में बात करेंगे तो 1 आवर हो जाएगा, यदि पूरा एक सॉरी 12 आवर्स हो जाएगा, पूरा एक कंप्लीट रोटेशन कर लेता है आवर हैंड तो वो 12 आवर्स हो जाएगा, उसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। वन रोटेशन फॉर मिनट हैंड गिव्स 360 डिग्री, एंड वन रोटेशन मिनट हैंड ने कंप्लीट किया तो हो गया 60 मिनट। दोनों लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड इक्वेट की जा सकती है, 360 डिग्री और 60 मिनट इक्वेट किए जा सकते हैं, तो 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो इट गिव्स 1 मिनट इज इक्वल टू 60 से डिवाइड कर दिया तो 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री रोटेशन, मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री रोटेशन हो जाएगा, तो 60 मिनट में पूरा कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल के टर्म में बात हो गई, एंगल के टर्म में 1 मिनट इज 6 डिग्री रोटेशन। आवर एंड की बात करते हैं, वन रोटेशन फॉर आवर एंड ऑल्सो गिव 360 डिग्री, बट आवर एंड का पूरा रोटेशन विल बी 12 आवर्स, 12 घंटे हो गए पूरे पूरे। दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड को इक्वेट किया जा सकता है, तो 12 आवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, 12 से डिवाइड करने पर 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहां बात मिनट की हो रही है तो इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री, बट 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है तो राइट हैंड साइड इक्वेट किया जा सकते हैं, 60 मिनट इज इक्वल टू 30 सेकेंड, सॉरी 60 मिनट इज इक्वल टू 30 डिग्री, स्लिप ऑफ टंग, 60 मिनट इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो 60 से डिवाइड करने पर वी गेट 1 मिनट इज इक्वल टू 1/2 डिग्री। अब ये मिनट हैंड के लिए रिफरेंस में बात हो रही है, ये आवर हैंड के रिफरेंस में बात हो रही है। यहां पर 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री रोटेशन दिख रहा है, यहां पर 1 मिनट एज हाफ डिग्री दिख रहा है, तो इसलिए नोट इज इंपॉर्टेंट, मिनट इन टाइम एंड मिनट एज अ फ्रैक्शन ऑफ डिग्री एंगल, ये फ्रैक्शन ऑफ डिग्री एंगल आर डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट है, मिनट एज फ्रैक्शन ऑफ डिग्री एंगल और मिनट एज टाइम। अब यहां से ऐसा नहीं कर सकते कि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों को इक्वेट कर दे, ये गड़बड़ हो जाएगी। ये 6 डिग्री रोटेशन रोटेशन इज इक्वल टू हाफ डिग्री, ये नहीं लिखे, बोथ आर डिफरेंट, और प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये 1 मिनट इज इक्वल टू हाफ डिग्री को यूज करेंगे और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद इस पर बेस्ड एग्जांपल्स एक्सरसाइज 1.1 ऑन पेज नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन अ क्लॉक, डिफरेंट डिफरेंट टाइम दिए हुए। फर्स्ट एग्जांपल उसका लेते हैं, 10 past 11। अब 10 past 11 अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में 11:10, तो 11:10 शो करते क्लॉक पे, 11:10 शो कर दिए, सब मार्क कर लिए, तो पहले 12, 3, 6, 9 और उसके बीच में इक्वल इक्वल डिस्टेंस में अप्रोक्सीमेटली बाकी के मार्क्स कर दिए। अब 11:10 है तो जो आवर हैंड है वो एग्जैक्ट 11 पर नहीं होगा, थोड़ा सा आगे होगा, मिनट हैंड पूरा पूरा 2 पर होगा। अब ये जो नोटेशन है 12, 1, ये आवर के लिए है, तो 1, 2, 3 नोटेशन, इसके बीच में कितना एंगल होगा दो तरीके से समझा जा सकता है। 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री,
यहां से समझा जा सकता है। तो ये एक घंटे के बीच में 30 डिग्री, ये एक घंटे के बीच में 30 डिग्री, ये एक घंटे के बीच में 30 डिग्री, तो टोटल हो गया 90 डिग्री। लेकिन आवर एंड एग्जैक्ट 11 पर नहीं है, तो इसका मतलब हमारा एंगल 90 डिग्री से कम होगा, क्योंकि उससे आगे है थोड़ा सा, तो कम है, तो 90 डिग्री से कम होगा। कितना कम होगा ये पता करना है। तो एक तो ये तरीका हो गया ये 90 डिग्री से कम डिस्कस करने का। दूसरा तरीका ये है कि इसके बीच में 5 मार्क्स है, ठीक है ना, इसके बीच में 5 मिनट्स के मार्क्स होंगे, 5 मिनट्स के मार्क्स होंगे, 1 से लेके 2 के बीच में 5 रोटेट, तो जो 1 और उसके बाद में 1 मार्क होगा वो 1 मिनट हो गया। तो ऐसे 5 मार्क 5 मार्क 5 मार्क 12 5 60 मिनट्स हो जाएंगे। तो 1 मिनट के लिए 6 डिग्री रोटेशन है। तो यदि मान लो हम ये पूरे पूरे मार्क काउंट कर लें, तो इसके बीच में मिनट से भी देखें तो 5 5 5 15 मिनट्स दिखते हैं। 15 मिनट्स × 6 डिग्री इज 90 डिग्री, ठीक है ना, ये कंसेप्ट है। 1 मिनट इज 6 डिग्री रोटेशन, तो 15 मिनट्स का रोटेशन दिखता है तो 90 डिग्री हो गया। लेकिन एग्जैक्ट 11 पर नहीं है, इसका मतलब कुछ पोर्शन कम है, कुछ इसमें से कम होगा। अब कितना कम होगा वो इवेल्यूएट करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो कितना कम है, तो आवर एंड की पोजीशन आगे गई है, कितने आगे गई है, जब मिनट हैंड 12 से 2 पर आया, मतलब 10 मिनट जब मिनट हैंड आगे बढ़ा उसके अकॉर्डिंगली आवर एंड चेंज हुआ। तो आवर एंड में 1 मिनट इज इक्वल टू 1/2 डिग्री है। तो कितने मिनट में आवर एंड आगे हुआ, 10 मिनट में। तो 10 मिनट में कैलकुलेट करते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/2 डिग्री, तो 10 मिनट में 10 by 10 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 डिग्री, दैट गिव्स 5 डिग्री। तो इतना डिग्री कम करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन आवर एंड एंड मिनट हैंड इज 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, विच गिव्स 85 डिग्री। तो इस तरह से पहले सोचिए उसको, जब भी जो भी प्रॉब्लम के हमको एंगल मेजर करने हैं, पहले उसको अपने विजुअलाइजेशन में देखिए, सोचिए और फिर उनको वर्ड्स में एक्सप्रेस कीजिए। तो इस तरह से जब एंगल फाइंड करने के प्रॉब्लम हो, तो पहले उसे विजुअलाइज करिए, अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए और फिर उनको लिखिए। और भी रिमेनिंग प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए होमवर्क। कल मिलते हैं टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।